फरहान अख्तर ने तोड़ा ऋतिक रोशन से किया हुआ वादा, शाहरुख खान का जैकपॉट लग गया। अमिताभ बच्चन की क्लासिक फिल्म डॉन साल 1978 में रिलीज हुई थी। इसके बाद फरहान अख्तर ने इस मूवी का रीमेक बनाया। डॉन के सीक्वल में शाहरुख खान लीड रोल निभाते हुए नजर आए थे। ये मूवी साल 2006 में रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 2011 में डॉन 2 आई। अब इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस मूवी में रणवीर सिंह नजर आएंगे। रणवीर के साथ कियारा आडवाणी फीमेल लीड में है। अब एक बार फिर फरहान ने इस फिल्म के बारे में बात। फरहान ने बताया कि उन्होंने इस मूवी के लिए ऋतिक रोशन से वादा किया था, लेकिन इसके बाद इस फिल्म में शाहरुख को कास्ट किया गया। फरहान अख्तर ने राज शमानी के पॉडकास्ट में डॉन की कास्टिंग के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने ऋतिक रोशन का भी जिक्र किया। दोनों ने फिल्म लक्ष्य में साथ काम किया था। फरहान के मुताबिक ऋतिक के साथ काम करना उनका एक्सपीरियंस शानदार रहा है। इसके बाद ही उन्होंने ऋतिक के साथ डॉन फिल्म में काम करने को लेकर बात की। उस दौरान ऋतिक को उनका आइडिया काफी पसंद भी आया था। उस वक्त फरहान ने ऋतिक से कहा था कि जब वो पिक्चर लिखेंगे तो वो इसे उनके पास लेकर आएंगे। हालांकि उन्होंने खुलासा किया कि जब वो इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे तो वो इस रोल के लिए सिर्फ शाहरुख खान को ही इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ शाहरुख खान का ही चेहरा आ रहा था। शाहरुख के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनकी पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से उन्हें लगा कि शाहरुख इस रोल के लिए बेस्ट एक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि फरहान ने पहले ही ऋतिक रोशन से इस फिल्म के लिए वादा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ऋतिक को फिल्म के लिए शाहरुख को चुनने की बात बताई। ऋतिक ने उनसे कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा फरहान, आपको अपनी फिल्म बेहतरीन तरीके से बनानी होगी। अगर आपको लगता है कि वो सही एक्टर हैं, तो आपको उन्हें कास्ट करना चाहिए, मेरी चिंता मत करो। गौरतलब है कि ऋतिक ने साल 2011 में रिलीज हुई डॉन 2 में कैमियो किया था। साल 2006 में आई शाहरुख की डॉन ने दुनिया भर में 104.64 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही इस फिल्म के बजट की बात कर ले तो 35 करोड़ रुपए का इसका बजट था। डॉन 2 भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। वही अब दोस्तों रणवीर सिंह की डॉन 3 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खैर दोस्तों, अब आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।